यूके में 2 साल के लिए आ सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें आपको कोई स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेशल वीजा टाइप के बारे में जिसके अंदर आप यूके में 2 साल के लिए आ सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें आपको कोई स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज हम बात करेंगे यूथ मोबिलिटी वीजा के बारे में, जो कि यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था यूके और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में, जिसके अंदर 3000 एप्लीकेंट इंडिया से यूके आ सकते हैं और यूके से इंडिया आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या है ये वीजा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आपको कितनी फीस पे करनी होगी, कितना इसको टाइम लगेगा। इसके अलावा हम यही बात करेंगे जो इंडिया के लिए अगर एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए क्या स्पेशल क्राइटेरिया है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट सिर्फ 3000 ही है। तो इसके लिए यूके गवर्नमेंट ने कुछ फिल्टर क्राइटेरिया लगाया है, वो फिल्टर क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग इंडिया से इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अपने इस चैनल पे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाते हैं ताकि आप जैसे लोग जो यूके आने वाले हैं या आना चाहते हैं उसके लिए हेल्पफुल हो। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि जेनरिक है और बहुत सारी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। ये इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल फिल्टर क्राइटेरिया भी है, वो भी लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या है वो। तो अगर पहले बात करें कि अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो ही आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ फंड भी शो करना होगा अपने अकाउंट में 28 डेज के लिए, जो कि होगा 2530 पाउंड्स। इसके अलावा एक और फिल्टर क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका कोई चाइल्ड है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप मैरिड हो आप स्टिल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपका कोई चाइल्ड है आप इस वीजा के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते। तो ये है बेसिक और जेनेरिक फिल्टर क्राइटेरिया जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। तो इसका प्रोसेस यूजुअली क्या होता है कि आपको एक ईमेल आईडी दी जाती है जिसमें आपको मेल ड्रॉप करना होता है, अपना पासपोर्ट नंबर, बेसिकली आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो। फिर यूके गवर्नमेंट उस सारे इनविटेशन को लेके उसमें रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट करती है और आपको इनविटेशन देती है अप्लाई करने का। जैसे आपको इनविटेशन मिल जाता है उस इनविटेशन को लेके आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है बेसिक प्रोसेस। अभी एट प्रेजेंट इंडिया के लिए प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यूके गवर्नमेंट की साइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है ये प्रोसेस अभी इंडिया के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, बट वो जल्दी ही इस पेज को अपडेट करेंगे और इंडिया के लिए क्या प्रोसेस होगा वो शेयर करेंगे। तो बात करते हैं आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। तो पहला होगा आपका एप्लीकेशन फीस, जिसके लिए आपको 259 पाउंड देने होंगे। इसके अलावा आपको आईएचएस अमाउंट पे करना होगा जो कि है 470 पाउंड पर एनम। तो अगर आप जो वीजा है ये 2 साल के लिए है तो इसके लिए आपको 470 पर एनम के हिसाब से आपको पे करना होगा। अब अगर बात करें आपको ये वीजा मिल जाता है और आप यूके आ जाते हो तो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो अगर आप यूके आते हो इस वीजा पे तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप कोई बिजनेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अगर आपका बिजनेस जो सेटअप है पूरा वो 5000 पाउंड से कम का है। इसके अलावा आप कोई एम्प्लॉय नहीं रख सकते तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो और आपका जो बिजनेस सेटअप होना चाहिए 5000 पाउंड तक ही होना चाहिए। तो इसके अलावा आप यूके में आके जॉब भी कर सकते हो और आपको कोई स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि यूजुअली स्किल वर्कर वीजा में होती है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वीजा लेके यूके जब आओगे आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से यहाँ काम कर सकते हो। अब अगर बात करें आप क्या नहीं कर सकते, तो आप इस वीजा को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आपने ऑलरेडी एक बार इस वीजा को अप्लाई कर दिया है तो आप दोबारा इस वीजा को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली को नहीं ला सकते। तो फैमिली में आपके जो चाइल्ड होते हैं ऑलरेडी, अगर आपको कोई चाइल्ड है अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस को भी यूके नहीं ला सकते। तो बेसिकली आपको अकेले आना होगा और 2 साल यहाँ पे अपना जॉब करना होगा, स्टडी करना होगा, या आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कोई पब्लिक फंड भी यूज नहीं कर सकते, जो कि यूजुअली हर वीजा कैटेगरी पे होता है। आप जब भी यूके आते हो तो आप पब्लिक फंड यूज नहीं कर सकते, और सेम इसके साथ भी अप्लाई होता है। तो अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की मेजर रिक्वायरमेंट है। पहला आपका वैलिड पासपोर्ट, दूसरा आपको फंड दिखाने होंगे 2530 पाउंड्स, जो कि आपके अकाउंट में 28 डेज के लिए होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको टीबी टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अब बात करते हो स्पेशल फिल्टर क्राइटेरिया जो कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी यूके गवर्नमेंट की साइट पे वो नहीं दिख रहा है, बट यूके गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है और आप उसको जाके पढ़ सकते हो। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो डॉक्यूमेंट क्या है और उसमें क्या फिल्टर क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक डॉक्यूमेंट है जो यूके गवर्नमेंट का है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे जाके चेक कर सकते हो। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है,
बट अगर आप इस पे स्क्रॉल करें नीचे तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया के लिए भी ये स्टार्ट नहीं हुआ है बट इंडिया के लिए भी ये यूथ मोबिलिटी वीजा एप्लीकेबल है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आप पेज नंबर 7 पे आएंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में, आप देख सकते हो नीचे एक टेबल बनी हुई है उसमें कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो अगर नीचे जाओगे तो इसमें इंडिया के लिए भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सिंस इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट सिर्फ 3000 ही एक्सेप्ट होने वाले हैं तो यूके गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फिल्टर लगाया है। तो आप देख सकते हो ये फिल्टर क्राइटेरिया है। पहले तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको इन्विटेशन आना चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए, तो ये बेसिक है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। आता है कि लोकल पुलिस सर्टिफिकेट जो कि आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो कि आप इजीली एक्वायर कर लोगे पुलिस स्टेशन से। जो मेन फिल्टर क्राइटेरिया है वो ये है जहां पे आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में, या फिर आपके पास RQF लेवल 6 की एजुकेशन होनी चाहिए जो कि होती है बैचलर डिग्री। स्किल ऑक्यूपेशन क्या है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कौन कौन से फील्ड कौन कौन से जॉब स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में कंसिडर होते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है स्किल्ड ऑक्यूपेशन में तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल फिल्टर क्राइटेरिया है जो कि सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। अभी ये बैलेट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है बट जब भी ये स्टार्ट होगा यूके गवर्नमेंट की साइट पे आप देख सकते हो कि ये फिल्टर क्राइटेरिया इंडिया के लिए दिखने लगेगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या है वीजा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप अर्ली एज में यूके आ सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, और अगर आप जॉब करते हो आपके पास चांस होता है कि अपने एम्प्लॉयर से आप स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए भी बात कर लो, हो सकता है 2 साल के बाद वो आपको स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप दे दें और आप यूके में कंटिन्यू कर जाओ। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अभी तक ये इंडिया के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है बट अभी आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने फंड जो आपको 2530 पाउंड जो दिखाना है आपको वो अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो ताकि जब भी ये वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो, जब भी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे। तो गाइस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, हमसे जितना हो सकेगा हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प कर सके। तो गाइस ये था आज का वीडियो, गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।